काम आए हमारी इंडिया में, और उनके जाते ही उनके पिता कौन, महाराज दशरथ, जो पिछले जन्म में मनु के रूप में भगवत प्राप्ति कर चुके थे, उनका देहांत हो गया, भगवान राम नहीं बचा पाए, कौशल्या वगैरह सब रो रही है, ये कह नहीं पाई, अरे तुम तो भगवान हो, तुम्हारे जैसा बेटा होते हुए मैं विधवा बनू, तुमको अच्छा लगता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, क्यों, क्योंकि गीता का सिद्धांत है ना, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवा जन्म मृतस्य च, अर्थात जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, गीता का सिद्धांत है, जो इस संसार में आया है वो एक दिन जाएगा, जितना आपके भाग्य में लिखा है उतना ही आपको मिलेगा, लेकिन हम सब ये बात नहीं समझते, हम तो सोचते हैं जरा किसी की तबीयत बिगड़ी, कोई बात सीरियस हुई तो वहां मृत्युंजय का जाप करवा, और पंडित जी को बुला करके थोड़ी दक्षिणा दे करके वहां मृत्युंजय का जाप शुरू कर देते हैं। अरे जरा ये बात सोची है कि महाभारत में एक अभिमन्यु भी था, ये अभिमन्यु कौन है, गीता त्यागी अर्जुन का बेटा, छोटा सा था, ज्यादा आयु नहीं थी उसकी, और वो अभिमन्यु उसके सगे मामा श्री कृष्ण, पिता गीता ज्ञानी अर्जुन और अभिमन्यु और उत्तरा, इन दोनों की शादी करवाने वाले वेदव व्यास, वो भी भगवान के अवतार, 18 पुराण लिखने वाले, वेदांत लिखने वाले, भागवत लिखने वाले, इतने बड़े ज्ञानी, इन्होंने शादी करवाई अच्छा मुहूर्त देख करके, और बिचारी उत्तरा 16 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। आज के जमाने में ऐसा कोई पंडित होता, शादी करवाता और लड़की 16 वर्ष की आयु में विधवा हो जाती तो कोई उससे शादी नहीं करवाता, ये कैसा पुरोहित है, इसकी कितनी बुद्धि है, ऐसा इसने मुहूर्त निकाला कि वो बिचारी इतनी कम आयु में विधवा हो गई, लेकिन ये तीनों इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होकर के भी कुछ नहीं बोल पा रहे, बैठ करके आंसू बहा रहे, अर्जुन भी रो रहा है, भगवान भी वहां है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन कहता है महाराज हमारे बेटे को फिर से बुला दीजिए, भगवान ने कहा देख अब वो मर चुका है, अब वापिस नहीं आने वाला, नहीं एक बार बुला दीजिए, एक बार उसको देख लू मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है बुला तो सकते हैं लेकिन इस शरीर को जिंदा नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा ठीक है कुछ ही कर दीजिए हमको कुछ संतोष हो जाए, तो भगवान ने अभिमन्यु को बुलाया और अर्जुन ने देखा तो खुशी से भागा उसकी तरफ, अभिमन्यु ने रोक दिया, क्या कर रहे हो, किससे गले मिलना चाहते हो, अपने बेटे से, तुम्हारा बेटा तो सामने पड़ा है, प्रगट सुतन ते ही आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगे तुम रोवा, अगर अपने बेटे के लिए रो रहे हो तो तुम्हारा बेटा तो सामने पड़ा है, वो शरीर तुम्हारा बेटा था, और अगर मुझे आत्मा मानते हो तो आत्मा तो सनातन है, नित्य है, अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, तो फिर क्यों रो रहे हो, क्या जरूरत है रोने, मैं कोई तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं और मैं अमृतस्य पुत्र, मैं तो भगवान का बेटा हूं, तुम्हारा बेटा नहीं हूं, कितनी बार तो तुम्हारा बाप बन चुका हूं, क्योंकि ये जीवात्मा तो इतनी ही है कि एक दूसरे में बदलती रहती है, आज आपके दादाजी थे आप उनको प्रणाम कहते थे, उम्र करके आपके बेटे बन के आ गए, फिर वो आपको प्रणाम कर रहे, बस इस तरह से हमारा संसार चलता है। अतएव भगवान सब कुछ जानते हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि प्रारंभ में लिखा है अर्जुन इतने बड़े भक्त हैं और रामायण कहती है राम भक्त का कन्या सखाए, बस ये नहीं कर पाए अपने बेटे को बचाने, ये सब इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी कुछ नहीं कर पा रही। अरे अगर आप द्वापर युग में होते और सोचते उस समय, अगर दृश्य को देखते, ये पांडव लोग भगवान के भक्त हैं फिर भी कितना कष्ट सहते हैं, और ये दुर्योधन वगैरह ये भगवान के शरणागत नहीं है फिर भी कितना सुख से जी रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आप लोग, श्री कृष्ण को भगवान मान पाते, आप कहते कि कैसे भगवान है, पांडव इतना कष्ट सह रहे हैं, द्यूत सभा में हारने के बाद 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, वहां विराट के डंडे खा रहे हैं, कुछ गड़बड़ हुई युधिष्ठिर से, तो क्या मतलब है इसका, ये क्या भगवान के शरणागत है तो ये पद मिलेगा इनको, यही पद मिलेगा जी, क्योंकि प्रारब्ध में लिखा है, प्रारब्ध के अलावा और कुछ आपको नहीं मिल सकता। और अच्छा जी एक बात बताइए, अगर आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो क्या भगवान आपकी सुनता है, एक सीधा सा प्रश्न है, आप किसकी सुनते हैं, जब आपका कोई सगा संबंधी हो, कोई जान पहचान वाला हो, उसकी सुनते हैं ना, उसकी मदद करते हैं ना,
ऐसे ही अनजान आदमी की मदद तो नहीं किया करते। एक आदमी चलते हुए जा रहा था और उसने देखा एक गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी रोकता है, कहता है अरे मुझे भी छोड़ दो वहां तक। वो कहता है पागल है तू, ढीला है, अरे मैं कहीं और जा रहा हूं, तुमको क्यों छोड़ दूं। अरे ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही कौन काम करता है कि हमारा कोई स्वार्थ हो, कुछ जान पहचान हो, तब तो तुम्हारे लिए कुछ काम करेंगे। तो ऐसे ही क्या आपका भगवान में प्रेम है? जब प्रेम हो तब तो आप कुछ आशा रखिए कि भगवान आपके लिए आएंगे। जब प्रेम ही नहीं है तो फिर कुछ दिन आपके विपत्ति आई, कोई कष्ट आया, आपने सोचा भगवान बचा लीजिए, फिर उसके बाद अमाउंट टर्न होंगे, ये कैसा प्रेम है आपका? और अगर भगवान आपकी सुनता है तो कल जैसा मैंने आपको बताया कि प्रहलाद ने वरदान मांगा था, वही वरदान आप भी मांग लीजिए कि मैं ये मांगता हूँ कि मुझे कुछ मांगना ही ना पड़े, सीधा सा हिसाब है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, अतएव आपको साधना करनी पड़ेगी और संसार ही संपत्ति के पीछे ना पड़े, क्योंकि अगर भगवान आपको संसार दे भी दे, एक कदम और आगे बढ़ते हैं, अगर भगवान ने संसार दे भी दिया तो भी क्या हाल होगा? आप भगवान को भूल जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया। अरे यूं समझिए, उदाहरण से एक बार की बात है कि एक नौकरानी थी, उसको ये सेवा मिली थी कि वो रानी का बिस्तर लगाए, अच्छे से बिस्तर सजाए, तो वो सेवा बड़े हृदय से करती थी। एक दिन ऐसे ही बिस्तर लगाने के बाद वो सोचने लगी कि हम इतनी मेहनत करते हैं, जरा हम देखें तो कि रानी को कितना सुख मिलता है हमारे लगाए बिस्तर पर सोकर। तो उसने एक उंगली दबा करके देखा, हाँ बड़ा मुलायम है, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक हाथ रख के देखते हैं, फिर बैठ करके देखते हैं, फिर लेट करके देखते हैं, और इतना करते करते इतना थकान हो चुकी थी कि उसको नींद आ गई, झपकी आ गई। इतनी देर में रानी आई तो देखती, अरे ये नौकरानी जिसकी इतनी हिम्मत कि हमारे बिस्तर पे सो रही है, ऐसा ठीक नहीं है, तो इसको दंड मिलना चाहिए। यानी इतना अहंकार हो जाता है किसी को कि हम भगवान है जैसे, कोई और मनुष्य हमारे बिस्तर पर सो नहीं सकता। और कहती है ले जाओ, जल्लाद से कहती है ले जाओ इसको, और 50 कोड़े मारो। अब कोड़े पड़ते हैं, यहाँ रानी बड़ी खुश है, मुस्कुरा रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, न्याय हो रहा है। तो जब तक कोड़े पड़े तब तक तो नौकरानी चिल्लाती रही, जब कोड़े समाप्त हो गए तो फिर उसके बाद नौकरानी हंसने लगी। रानी ने सोचा क्या हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, कभी इतना कष्ट मिले तो दिमाग भी खराब हो जाया करता है लोगों का, उसने पूछा क्यों हंस रही है। नौकरानी कहती है मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बस 5 मिनट के लिए आपके बिस्तर पे लेटी और उसके लिए आपने मुझे 50 कोड़े लगवाए, तो आप तो पूरा जीवन इस बिस्तर पे लेटी है और आपके ऊपर भी कोई राजा रानी होंगे, भगवान है ना आपके ऊपर भी, तो जब आप भगवान के पास जाएंगी तो आपको कितने कोने मारेगा वो। अब रानी हिल गई, अरे ये क्या कर रहे थे हम तो मानवता की भावना को भी भूल गए, एक एक मनुष्य में भेदभाव ऐसा करने लगे। अतएव अगर संसारी संपत्ति आ भी गई तो यही हाल होगा। अरे और अच्छे से समझिए, एक बार का ख्याल है कि रामावतार काल में एक बार एक कुत्ता राम दरबार में शिकायत लेकर के आया, तो राम जी ने उसकी शिकायत सुनी। वो कुत्ता कहता है महाराज हमको न्याय चाहिए। क्या न्याय चाहिए? हमको एक धोबी ने मेरा प्राय डंडा मारा है, बुला उसको। वो प्रस्तुत हुआ, उससे पूछा गया क्यों रे तूने मेरा प्राय डंडा मारा? उसने कहा हाँ कोई कारण नहीं था, ऐसे ही हमारे सामने आया तो हमने मार दिया। तो कुत्ते से पूछा गया एक बात बताओ इसको क्या दंड देना चाहिए, तुम जैसा बोलोगे जिसमें तुमको संतोष हो जाएगा वो दंड हम दे देंगे। अब कुत्ता कहता है कि महाराज हम चाहते हैं कि इसको आप बड़ा धनवान बना दीजिए, कोई सेठ बना दीजिए, मठाधीश बना दीजिए। अब राम दरबार में सब लोग हैरान है, ऐसा क्यों कह रहा है ये? तो राम जी ने पूछा ऐसा क्यों कहते हो? कुत्ते ने कहा महाराज मैं अपनी बात बताऊं? हाँ बताओ। मैं पिछले जन्म में बहुत बड़ा सेठ था, बड़ा पैसा था मेरे पास, और उसी संपत्ति के कारण बड़ा अहंकारी था, भगवान की भक्ति नहीं करता था, अकड़ के चलता था, पूरा जीवन मैंने संसारी ऐश्वर्यों का भोग करते हुए बिता दिया, यही कारण है आज मैं कुत्ता बना हूं और इतना कष्ट मिल रहा है मुझे, तो मैं चाहता हूं कि ये भी बड़ा सेठ हो जाए। और जब भगवान को ऐसे ही भूल जाएगा तो अगले जन्म ये भी कुत्ता बनेगा, और इसको भी जब कोई निरपराध डंडा मारेगा तब इसको मेरी जलन
मेरी फ्रस्ट्रेशन समझ में आएगी। ये हाल है, कितना लंबा स्कीम बना लिया। अतएव संसारी संपत्ति मिलने पर आपका कल्याण नहीं होने वाला, उल्टा और पतन हो जाया करेगा।